मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री अपने जीवन की चार बातें कभी किसी को नहीं बताती, अपने पति को भी नहीं, और यह चारों बातें ही स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। तो चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार क्या है वो चार बातें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चाणक्य ने अपनी नीति में पुरुष से स्त्रियों की तुलना करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया है जो स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। पहला, भूख। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का आहार यानी उनकी भूख पुरुषों की तुलना में दोगुनी होती है, किंतु वर्तमान में कई स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं है। इसकी वजह है आज के समय का रहन सहन और खान पान का गड़बड़ होना। दूसरा, शर्म या लज्जा। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में शर्म या लज्जा पुरुषों से चार गुना ज्यादा होती है। वे किसी भी कार्य को करने से पहले यह जरूर सोचती हैं कि उस कार्य का उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, साहस। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों से छह गुना ज्यादा होती है। वह किसी भी कार्य को करने की ठान लेती है तो पीछे नहीं हटती, शायद इसीलिए स्त्रियों को शक्ति स्वरूप माना गया है। चौथा, काम वासना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में पुरुषों से आठ गुना ज्यादा होती है, लेकिन उनमें लज्जा और सहन शक्ति होने से वे इसे उजागर नहीं होने देती और धर्म एवं संस्कार को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार को संभालती है। तो मित्रों, ये थी स्त्रियों की चार बातें जिसे वे अपने जीवन में कभी किसी को नहीं बताती। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।